सूर्य और अनोखी की कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब यहाँ पर अनोखी वापस कॉलेज पहुँचने वाली है और यहाँ पर सूर्य किसी न किसी तरह से उसे माफी मांग के और अपनी बात सूर्य अनोखी के सामने रख ही देता है और उसको अपना करियर बर्बाद ना करने के यहाँ पर अपने करियर की शुरुआत करने और अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए कहता है। और यहाँ पर वो अनोखी एक बार तो मना कर देती है लेकिन सूर्य बहुत प्यार से दिल से समझाता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। इसके बाद में यहाँ पर अनोखी वापस कॉलेज जाने का फैसला कर लेती है और अनोखी आपकी लौट चुकी है वापस कॉलेज, जहाँ पर अब उसे एक बार फिर से उन लोगों को झटका लगने वाला है जो कि उसके पीछे से पार्टी करते हुए नजर आ रहे थे। यानी सूर्य की यहाँ पर कजिन सिस्टर्स जो कि यहाँ पर अनोखी के जाने से काफी ज्यादा खुश थे कि चलो वो चली गई, हम तो उसे निकालना ही चाहते थे, फाइनली वो खुद ही चली गई। और यहाँ पर एक लड़का जो कि उसको वजह से कॉलेज छोड़ा था वो भी वापस आ चुका है, तो यहाँ पर अनोखी को परेशान करते हुए नजर आने वाले। वहीं यहाँ पर सूर्य जिस तरह से अनोखी को अनोखी के करीब जा रहा है वो अहिर को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला है। और यहाँ पर भी अब होली का फेस्टिवल मनाया जाएगा जहाँ पर अनोखी को कई लड़के यहाँ पर रंग लगाने की कोशिश करेंगे, यानी वो लड़के जो इसे परेशान है, और यहाँ पर अब अहिर भी उसे कलर लगाने आएगा। लेकिन ये बात सूर्य को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली है और सूर्य नहीं चाहता कि कोई भी अनोखी को कलर लगाए, वो सिर्फ इसको कलर लगा सकता है। तो भाई यहाँ पर काफी जीलियस फील होने वाली है सूर्य को, लेकिन देखना ये कि दिल की बात सूर्य कब अनोखी से कहता है। तो भाई आने वाले एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार है, जहाँ पर एक बार फिर से अनोखी कॉलेज में तो आ चुकी है लेकिन वहाँ पर एक और नया चैलेंज उसका कर रहा है इंतजार। वहीं देवी और आलोक अब मिलकर और भी नई प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे और आस्था और जान के बीच में गलतफहमियां क्रिएट की जाएगी।